शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं अशेष जन्तोः स्वस्थये स्मृता मतिमतीव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुःख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वो उपकार करणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड दिए। नमस्कार। हेलो। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में हमने जो सीरीज रखी है
आज इसका पांचवा सेशन है। हमारे साथ उपस्थित है वैद्यानंद कट्टी सर, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस सत्र को लेकर। जैसे हमने प्लान किया था, आदरणीय गुरुवर्य वैद्य विद्युमाधव कट्टी सर, जो महाराष्ट्र में काफी सालों में उन्होंने काफी साल से अपनी प्रदीर्घ सेवा दी थी, सर काफी फेमस थे और मेरे गुरु के रूप में भी मुझे सर का ज्ञान प्राप्त हुआ, और आज हम लोग इसी मकाम पर है। और सर के ही पुत्र जो डॉक्टर आनंद कट्टी सर है आज हमारे साथ उपस्थित है, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। डॉक्टर बिंदुमाधव कट्टी सर खास करके फेमस थे उनके मल परीक्षा को लेकर या आयुर्वेदिक निदान पद्धति को लेकर। सर से हमने सीखा भी है और सर हमें अलग अलग तरीके से सिखाते थे इंटर्नशिप में, तो हमारे सभी के लिए बढ़िया उपलब्धि होगी। सर के ही मार्गदर्शन में तैयार हुए हमारे वैद्य डॉक्टर आनंद कट्टी सर उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने इस सीरीज में अलग अलग जो वैद्य परंपरा है उन वैद्य परंपराओं को चलाने वाले वैद्यों को हमने इसमें प्रस्तुत किया था, तो आज हम लोग इसी के साथ डॉक्टर आनंद कट्टी सर, जिनका भाग्यश्री आयुर्वेद चिकित्सालय करके औरंगाबाद महाराष्ट्र में चिकित्सालय चलाते हैं, और इसी के साथ हाल ही में उनको खड़ीवाला वैद्यक संशोधन का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार। नमस्कार सबको, प्रणाम। आवाज आ रही है ना? यस सर, यस, यू कैन कंटिन्यू। आपका स्टार्ट कर सकते हैं। और आज का विषय है हाउ टू इम्प्रूव जनरल प्रैक्टिस, आयुर्वेद प्रैक्टिस। तो निश्चित रूप से सर आपके अनुभव हम सभी वैद्यों के लिए लाभदायी होंगे, और अंत में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। बिल्कुल। सबसे सर्वप्रथम आयुष दर्पण फाउंडेशन का बहुत अच्छा उपक्रम आपने लिया है, क्योंकि अनुभव जो है गुरुओं का वो बाकी तरफ जाता है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए विषय का आरंभ करता हूँ। आज का विषय है आयुर्वेद, हाउ टू इम्प्रूव आयुर्वेद प्रैक्टिस। आयुर्वेद चिकित्सा के लिए, चिकित्सा बेहतर करने के लिए सिद्धांतों का ज्ञान या सिद्धांत समझ के उसके ऊपर अमल करना ज्यादा जरूरी है। आयुर्वेद का वैशिष्ट है अग्नि विचार। ये अग्नि क्या करता है? अग्नि करता है बाह्य आहार घटकों का चिरोपयोगी आहार घटकों में रूपांतर करता है। आहार रस के निस्सार घटकों का या मदों का द्रव भाग का शोषण करता है। यह है प्राकृत अग्नि के कार्य। अप्राकृत अग्नि का काम क्या है? आयुर्वेद में बताया है रोगा सर्वेपि मंदग्नो, सर्व रोगों का कारण ही अग्नि मानते हैं। ये मंदाग्नि से होता क्या है? मंदाग्नि से आहार रस का पाचन होता नहीं है, क्षुधामान्द होता है, धातुओं का पोषण नहीं होता है। धातुओं के पोषण न होने से धातुओं का बोल होता है, और धातु निर्बल होने से अनेक व्याधियों के कारण होते हैं, जो अनशन में बताया है। व्याधियों का, धातुओं का व्याधिक क्षमत्व कम हो जाता है। आहार रस अगर उसका पाचन ठीक से नहीं होता है, फिर भी अपचित आहार रस फिर से आ जाता है, तो दोषों को दूषित करता है, और वो दूषित दोष धातुओं को दूषित करते हैं, और ये दूषित धातु विविध रोगों की उत्पत्ति के कारण होते हैं। हेलो, आहार दूषित होने से धातुओं की दुष्टि करता है। अग्नि परीक्षण ये कैसे करना है उस पर दृष्टि डालने का प्रयास करता हूं। अग्नि परीक्षण अवस्थापाक का से किया जाता है। अवस्थापाक तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम अवस्थापाक, द्वितीय अवस्थापाक और तृतीय अवस्थापाक। प्रथम अवस्थापाक जो हम साधारणतः आहार समय आहार लेते हैं उस समय से चालू हो जाता है। उसका समय प्रायः 3 से 6 घंटे होता है।
जब आहार लेते हैं और दूसरा आहार लेने का जब समय होता है, शुद्ध प्रवृत्ति जिसे बोलते हैं, वो रहता है प्रथम अवस्था पर। द्वितीय अवस्था पर जो रहता है, जो हमने आहार रस लिया है उसका जब पाचन होता है, वो होता है द्वितीय अवस्था पर। वो साधारणतः तृतीय 3 घंटे का होता है। तृतीय अवस्था पर जो है उसमें होता है, जो हमने आहार ग्रहण किया है, जिसका पाचन किया है, उसका सार्कृत्य विवेचन तृतीय अवस्था पाक में होता है। वो कटु अवस्था पाक भी बोलते हैं, वो साधारणतः 10 से 12 घंटे का होता है। कटु अवस्था पाक होने से एक मुकुल निज व्याधियों के, माफ करना, निज व्याधियों का उत्पत्ति जो है अवस्था पाक के स्वरूप से ही होती है। जैसे हमने प्रथम अवस्था पाक में ज्यादा खाना खाया तो द्वितीय अवस्था पाक भी ठीक तरह से तैयार नहीं होगा। द्वितीय अवस्था पाक भी प्रथम अवस्था पाक के ऊपर ही होगा। अगर तिक्त रसात्मक कटु रसात्मक आहार खाया तो द्वितीय अवस्था पाक भी उस दोषों के अनुसार हो जाएगा। द्वितीय अवस्था पाक ठीक नहीं हुआ तो तृतीय अवस्था पाक भी द्वितीय अवस्था पाक के अनुसार ही होगा और वो हिसाब से वैध होंगे। संहिताकरण ने अवस्था पाक के अनुसार ही व्याधियों का आमाशय समूहतत्व एवं पक्वाशय समूहतत्व ऐसे 2 भागों में विभाजित किया है। आमाशय समूहतत्व यानी जहां से दोष आमाशय से तैयार हो, प्रायः आमाशय से तैयार होते हैं। पक्वाशय समूहतत्व यानी दोष प्रायः पक्वाशय से तैयार हो जाते हैं। विस्तार से बताने का कारण यह है कि पूरी जो हमें चिकित्सा करनी है वो अग्नि की करनी है। अग्नि के साथ ही दोषों का एवं धातुओं के परिश्रम का भी ज्ञान होना आवश्यक है। धातुओं के परिश्रम के लिए हमें पूरे धातुओं का मूल स्थान, संचय स्थान, उसके प्राकृत कर्म, उसके धातु उपधातु, धातुओं के मग, उसका उचित तरह से ज्ञान होना जरूरी है। उसी तरह दोषों की स्थिति जानने के लिए षटक्रियाकालीन संप्राप्ति, षटक्रियाकालीन संप्राप्ति जानने की जरूरत है। षटक्रियाकालीन संप्राप्ति क्या है? हेतु, हेतु यानी जिस कारण से दोष बढ़ते हैं या दोष जमा हो जाते हैं शरीर में, उसे हेतु कहते हैं। उसके बाद आ जाता है संचय और प्रकोप। संचय क्या होता है कि जब हेतु हम हमेशा उसका सेवन चालू है, हेतु का तो हमेशा संचय चालू है, बाहर जा रहा नहीं पा रहे हैं, तब वो हेतु शरीर में रहते हैं, उसे संचय कहते हैं। संचित होने के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि उससे ज्यादा संचित हो नहीं पाते हैं तो उसका प्रकोप हो जाता है, उस स्थान के बाहर जाते हैं, आशय से बाहर जाते हैं। आशय से बाहर जाके उसको पूरे शरीर में प्रसारित हो जाते हैं। हेतु और संचय तक कुष्ठ कुष्ठास्थित रहते हैं, कुष्ठ यानी महास्रोत में रहते हैं। उसके बाद प्रसर अवस्था में वो पूरे शरीर में जाते हैं और पूरे शरीर में जाने के बाद कोई ना कोई लक्षण सामने आ जाते हैं। उसके बाद स्थान संश्रय यह अवस्था आ जाती है। इस स्थान संश्रय अवस्था में रुग्ण कोई ना कोई लक्षण हमें बताता है कि ये हो रहा है, तो जब ये बताता है तो हमें उसके कारण जानने के लिए जानने की ज्यादा जरूरत रहती है। उससे होता है क्या है कि औषधि का बल ज्यादा देना नहीं पड़ता है, कम औषधि यूज करनी पड़ती है,
और जल्दी उसका उपयोग होता है। स्थान संसर्ग वैसे ही चलते रहा तो व्यक्ति अवस्था में आ जाता है। व्यक्ति अवस्था में यानी व्याधि उत्पन्न होता है, हमेशा उसके लिए पेशेंट वो तकलीफ लेके आता ही है। तो हम प्राय जो ट्रीटमेंट करते हैं व्यक्ति अवस्था की करते हैं। तो जब व्यक्ति अवस्था में आता है तो समझ में आना चाहिए पहले चार कारण हो ही गए हैं तो हमने उसको देखना चाहिए। वो देखने से क्या हो जाता है कि कहाँ स्थान संसर्ग है वो कम होने के बाद वो व्यक्ति जल्दी से जल्दी व्यक्ति अवस्था है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। ये अवस्था के अनुरूप हमें पाचन ब्रूहण शोधन इनमें से कौन सी अवस्था लेनी है उसका चयन हम कर सकते हैं। हमने ऐसा पाया है कि जनरल प्रैक्टिस में या हर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो आते हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसकी चिकित्सा हम करते हैं। तो उन्होंने क्या है ये डिसीज के ऊपर काम करना है तो वो डिसीज पे ऊपर देते हैं। तो हम अग्नि का या स्रोतों का विचार नहीं करते हैं। तो वो विचार नहीं करने से ऐसा होता है कि हम प्रिसाइजली उसका फायदा उठा नहीं सकते उस दवाई का। तो दवाई का फायदा ज्यादा से ज्यादा होने के लिए या उसके औषध घटकों का उपयोग होने के लिए दोषों की अवस्था अग्नि की अवस्था रुग्ण की अवस्था अपने को समझने जरूरी है। समुद्र तत्व का ये भी फायदा होता है कि कोई भी आमाशय समूह तत्व एवं पक्वाशय समूह तत्व इसका ज्ञान होना इसलिए जरूरी है कि अगर हमें समझ में नहीं आया कोई भी व्याधि कौन सा है या क्या करता है उसमें तो हम आमाशय समूह तत्व और पक्वाशय समूह तत्व ये दोनों में विभाजित करके अच्छी खासी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आमाशय समूह तत्व क्या है कि आहार कैसे खा रहा है कौन सा खा रहा है कौन से समय पे खा रहा है ये देखना ज्यादा जरूरी है। अभी जो आमाशय समूह में मैं देख रहा हूँ जो दोष बढ़ाने वाले आहार है विदग्ध आहार जो बोलते हैं जैसे ज्यादा न्यूट्रिशियस है प्रोटीन है अंडे है या सवेरे सवेरे शुद्ध प्रवृत्ति होने से पहले खा लेते हैं उठने के बाद वो काफी रोगों का कारण हो रहा है। तो अभी तो ज्यादा देख रहा हूं मैं आमाशय समूह तत्व व्याधि तो कोई भी व्याधि है तो ये समूह तत्व देख लेने के बाद और समूह तत्व की ट्रीटमेंट होने के बाद ऊपर से आता ही है तो उसका ध्यान लेना ज्यादा जरूरी है। वैसे इसमें छोटे बच्चों में जैसे ये करते हैं कि दूध पीना ही है बादाम खाना ही है या ब्रूहण जो देते हैं वो तो ज्यादा ब्रूहण आजकल देने हो रहा है उसके वजह से संतर्पण तो व्याधि जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। तो उसके लिए पाचन या ऐसी दवा देने से ज्यादा फायदा होता है और ये संतर्पण की वजह से ही सामता की वजह से मलावष्टम पक्वाशय समूह तत्व सामते की वजह से आता है। तो ऐसे इसमें अगर हम मल प्रवर्तन के लिए कोई भी दवा देते हैं तो तकलीफ हो जाती है तो उसका फायदा
तब होता नहीं है, शाम रस जो है पूरे शरीर में आ जाता है और व्याधि बहुत बढ़ता है। तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, तकलीफ ज्यादा हो रही है। वो छोड़ने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है, तो पाचन देना ज्यादा जरूरी रहता है। पक्वाशय समुत्थत्व में जो है वेग विदारण, आजकल ज्यादा जो नौकरी करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं, या लेडीज है जो बाहर टॉयलेट के लिए नहीं जाते हैं, उनमें पक्वाशय समुत्थत्व ज्यादा नजर आ रहा है। पक्वाशय समुत्थत्व में नजर क्या आ रहा है, पीसीओडी एक बहुत ज्यादा इसमें नजर आ रहा है। उसके साथ ही पक्वाशय समुत्थत्व में सामने आ रहा है क्या बोलते हैं, शुक्र वस्तुतः के जो विकार रहते हैं, व्यंधत्व, वो विघारोग जन्य क्या मूत्र और मल वेग उसके अवरोध से ज्यादा पक्वाशय समुत्थत्व व्याधि के रूप में सामने आ रहे हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट करते वक्त हमें पक्वाशय समुत्थत्व ध्यान में रखते हुए शायद जीपी जनरल प्रैक्टिस में आप पंचकर्मा वगैरह नहीं करते होंगे, तो जनरल प्रैक्टिस में आमाशय समुत्थत्व देखने के बाद ये कर सकते हैं, कोई भी पाचक औषधि आमाशय समुत्थत्व में दे सकते हैं। पक्वाशय समुत्थत्व में आप घी तेल ऐसे स्निग्ध पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, अभ्यंग दे सकते हैं। अवगाह स्वेदन भी काफी पक्वाशय समुत्थत्व में उपयोगी साबित हुआ है। बाकी समुत्थत्व के बारे में और मेरा हो गया है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, यस सर, यस एक मिनट चलो, एक मिनट चलो सर, आवाज आ रही है आपकी, करिए करिए, बोलिए बोलिए, यस यस, नो इश्यू, एनी प्रॉब्लम डॉक्टर आनंद? नहीं नहीं, काय म्हणत होते? नहीं काही नाही सर, कंटिन्यू करा, काही प्रॉब्लेम नाही आहे, कंटिन्यू करा। झालं म्हटलं माझ्याकडनं झालं असं म्हणत होतो मी। हो हो ठीक आहे ठीक आहे, यस यस कंटिन्यू, ओके ओके। आपका माइक म्यूट हो गया है डॉक्टर आनंद, एक मिनट। हाँ ये तो जाता है। हाँ ये तो यस यस कंटिन्यू। अग्नि के बारे में जो बताना था मेरा, अच्छा वो हो गया है। मैंने इसमें क्या बताया है कि अग्नि और आमाशय समुत्थत्व और पक्वाशय समुत्थत्व जनरल प्रैक्टिस में इसका विचार क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या है कि सब पूरी जो है वो अग्नि के ऊपर डिपेंडेंट है। वो अग्नि के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है, अगर अग्नि इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आमाशय समुत्थत्व पक्वाशय समुत्थत्व में अग्नि के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे ही दवा देते हैं जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वैसे बताते हैं कि ये व्याधि पे कि ये दवा है, तो उसका उतना फायदा दिखता नहीं है। अगर दवा है उसका दवा का फायदा अगर देखना है तो उसके साथ ही अग्नि का विचार, आमाशय समुत्थत्व का विचार और पक्वाशय समुत्थत्व का विचार, ये अग्नि के विचार से किया गया और धातुओं का अगर विचार किया गया तो जो दवा देंगे वो ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करेंगे। तो दवा के साथ ही अपने को क्या करना है कि जो आहार है वो आहार सुपाच्य होना चाहिए और
योग्य प्रमाण में होना चाहिए और योग्य स्वरूप में होना चाहिए, वो बताने की मैंने प्रयास किया है। इसका कारण ये जो है ना कि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है पूरा अग्नि के ऊपर है, और विभाजन जो संहिताकारों ने किया है वो आमाशय समूह तत्व, पकवाशय समूह तत्व या अभ्यवरण शक्ति, जरण शक्ति वो परीक्षण करने के लिए जो बोला है। तो आजकल क्या देखने को मिल रहा है कि उसके विपरीत ही सब कर रहे हैं। तो ऐसे जो साम दोषों की चिकित्सा ही अपने को करनी पड़ती है प्राय, तो हम समझाने के बाद भी समझाने के ऊपर रहते नहीं, क्योंकि एडवर्टाइज या बाकी उनके ऊपर ये भी इतना प्रभाव भी उतना ज्यादा है कि हम समझाने का फायदा भी कुछ होता नहीं है। तो उसके साथ ही अपने को आगे बढ़ना है। तो अभ्यवरण में अगर ध्यान में देना है तो उसका डाइट जो है वो डाइट जब भूख लगेंगे सुपाच्य हल्का रखना चाहिए, और उसके साथ कोई भी व्याधि की दवा देंगे तो ज्यादा फायदा हो जाता है। पक्वाशय समत्व में भी वैसा है कि वेग धारण जो व्याधि है, जैसे मैंने बताया पीसीओडी, उसमें साथ जैसे स्निग्ध कोई भी पदार्थ यूज करेंगे तो वेग धारण जो पक्वाशय समत्व व्याधि उसकी तीव्रता कम हो जाती है। जनरल प्रैक्टिस में जो है कि उतना ही कर सकते हैं, अगर पंचकर्मा वगैरह करना है तो बस्ती पक्वाशय समत्व में काफी काम आ जाती है। तो रिक्वेस्ट है एग्जांपल देके आप थोड़ा बताएंगे, लाइक आमाशय समुद्भव और पक्वाशय समुद्भव जो संकल्पना है, तो कुछ वैदिक के हिसाब से एकादा एग्जांपल देके बताएंगे दोनों का एक एक करके, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। एक अच्छा उदाहरण है आमाशय समुद्भव वैदिक का। एक रुग्णा आई थी मेरे पास 2 साल पहले, आयुर्वेद की प्रैक्टिशनर ही थी। आयुर्वेद की प्रैक्टिशनर इसलिए बता रहा हूँ कि कैसा होता है कि जब आयुर्वेद की प्रैक्टिस भी करते हैं लेकिन जब आमाशय समूहतत्व पक्वाशय समूहतत्व ज्यादा समझ में नहीं आता है तो क्या होता है, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया था कि अनापत्यता थी, इसलिए पहले 3-4 बार उन्होंने ट्राई किया उत्तर बस्ती लेके गर्भधारण रहे उसका प्रयास किया, उसके बाद भी गर्भधारण नहीं हुई। तो उसके बाद उन्होंने 2 बार IVF किया, तो दोनों ही बार क्या हुआ, IVF 2-3 महीने के बाद गर्भस्राव हो जाता था, IVF सफल नहीं हो पा रहा था। तब वो मेरे पास ऐसी चर्चा करने के लिए आए थे, तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तब जब मैंने पूरा परीक्षण किया तब समझ में आया कि उनका व्याधि तो जीर्ण व्याधि है, जीर्ण अम्ल पित्त, उनका तकलीफ जीर्ण अम्ल पित्त है। तो जीर्ण अम्ल पित्त के हिसाब से क्या है कि जो भी खाएंगे उसका, जो भी आहार खाएंगे उसका आहार रस का पाचन जो है वो विदग्ध हो रहा था। प्रमाण कोई भी खाए, उन्होंने क्या किया था कि थोड़ा सा उद्गार आते हैं तो दाल बंद कर दिए, थोड़ा सा ये खाते चटनी वगैरह तीखा थोड़ा सा कम कर दिया। तो वो हिसाब से क्या हो गया था कि शुक्र धातु तक का जो पोषण था या गर्भाशय तक का पोषण था वो पूरा विदग्ध होके उसकी वजह से गर्भ टिक नहीं पा रहा था, धारण क्षमता गर्भाशय कम हो रही थी। तो वो व्याधि में मैंने अग्नि की चिकित्सा करने के लिए पहले तो अमृत भल्ला तक दिया था। अमृत भल्ला तक में गुडुचे और भल्ला तक ये 2 मुख्य प्रमुख औषधियां हैं, दोनों भी पाचक है, दोनों भी स्रोत अस्थि धातुगत स्रोतों तक जाके उसका पाचन करिए। तो पहले उनको डर था कि भल्ला तक ले रहे तो तकलीफ कुछ होंगे क्या, तब जब पित्त भी होगा या बाकी कुछ भी होगा दोषों का अगर बल ज्यादा है तो औषधियों का बल भी अपने को ज्यादा देना पड़ता है, वो हिसाब से भल्ला तक यूज किया था। अमृत भल्ला तक होने के बाद
उनको मैंने चित्र खरीद के चालू किया था, और चित्र खरीदते भी चित्रक है और हरित की है प्रमुख घटकों में, उसमें गुड़वल भी है, देशमोल भी है, वो अमृत भल्लक तक से कम पाचक है, लेकिन वो भी पाचक ही है, मांस धातुगत उसका पाचन की क्षमता है। तो उससे क्या हो गया, वहां तक के जो स्रोतों का अवरोध था या बाकी शाम दूर पित्त वगैरह थे, वो पाचन होके शरीर के बाहर निकल गए। उसके बाद उनको मैंने महातिक्त घृत का ग्रहण दिया था। महातिक्त घृत में पूरे तिक्त रसात्मक द्रव्य है, और लेकिन वो मांस धातु के जाके ग्रहण करते हैं स्निग्धता के कारण। ऐसे कारण से क्या हो गया, उनका धातुओं का बल जो है वो बल बढ़ गया। तीन से चार महीने महातिक्त देने के बाद उनको मैंने फलग्रुत चालू किया, और फलग्रुत के साथ उनको उत्तर बस्ती दी थी, पहले क्षारतल की दी थी, उसके बाद महानारायण तेल की दी थी, और उसके बाद दूसरे उत्तर बस्ती के बाद उनको गर्भधारण हुई थी, हुई है, उसके बाद 9 महीने गर्भस्राव भी नहीं हुआ, अभी दोनों भी जो है वो स्वस्थ है। यह है जो अमाशय समुत्तत्व का उदाहरण है। पक्वाशय समुत्तत्व का उदाहरण जो है फिलहाल में पेशेंट चालू ही है, अभी बैंक में काम करती है, लेडीज ही है, सवेरे घर की पूरी तैयारी करके जानी पड़ती है, उसमें उसके तैयारी के वक्त मल मूत्र त्याग वो प्रायोरिटी रहती नहीं है, तो वैसे फास्ट में तैयार होके डब्बा लेके वहां जाती है बैंक में वगैरह काम वगैरह करती है, वैसे वेग धारण वैसे रहता है, बैंक में कहीं टॉयलेट वगैरह की सुविधा रहती नहीं है। तो आने के बाद क्या हो जाता है, आने के बाद पेट भी दर्द होता है, या वो उनका चीफ कंप्लेंट थी शिरशुल और श्वास, ऐसे दो चीफ कंप्लेंट है उनके। तो आने के बाद भी क्या होता है कि 6 बजे वगैरह आती है, तो 7-8 बजे सब खाना खाने होता है, तो पूरा ध्यान रहता है उनका खाना खाने वक्त या बाकी क्या पकाने उसके ऊपर, वेग विदारण करना है या मल त्याग करना है, मूत्र त्याग समय के ऊपर करना है, उसके तरफ ध्यान रहता नहीं है। इसके कारण वेगावरोध जो हुआ है, पक्वाशय समुत्तत्व हो गया, उसकी वजह से खाना भी कम जा रहा है, और उसकी वजह से शाम पित्त होके सर में दर्द वगैरह है। तो अभी उनको मैंने जो दवा चालू की है शिवाक्षर पाचक चूर्ण चालू किया है। शिवाक्षर पाचक चूर्ण में हिंगवष्टक चूर्ण और हरित की है। सवेरे और शाम में सादा अपना घृत चालू किया है, गोघृत दूध में डाल के, और आधा फिलहाल तो सवेरे का खाना जो है उनको नहीं पकाने के लिए बोला है, और सवेरे के जो वक्त बचता है खाना खाने में से वो वक्त में पूरा ध्यान थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या योगासन और वेग विदारण उसमें देने के लिए बोला है। अभी उनको 15 दिन हुए हैं, लेकिन उनको 50-60% रिलीफ है, ज्यादा दवा भी नहीं है, और माइग्रेन के लिए काफी वक्त से दवा ले रहे हैं। ऐसे दो उदाहरण है अमाशय समुत्तत्व और पक्वाशय समुत्तत्व के। सवाल है कि औषध सेवन काल और अनुपान, इसके बारे में कैसे आपको ये बता सकते हैं कि कैसे हम लोग इसमें, आशा जी आप डायरेक्ट पूछिए ना, आशा जी औषध सेवन काल एंड डिफरेंट पक्वाशय समुद्भव व्याधि। जी मैं पूछती हूँ मैम। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग सर, वेरी नाइस लेक्चर। सर आपने जो अभी बताया ना पक्वाशय समुद्भव व्याधि, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था मेरा कि पेशेंट काफी मतलब कंप्लेंट्स लेके आते हैं, उसके अनुसार हम चिकित्सा तो देते हैं,
लेकिन जैसे आयुर्वेद का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, अलग अलग काल में औषध सेवन करवाने का और उसके साथ डिफरेंट अनुपान देने का, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। कैसा है, रसायन काल भी बताया है, मध्य काल भी बताया है, भोजनांतर भी बताया है, लेकिन जब अभी मैं प्रैक्टिस जब से कर रहा हूँ, अभी से चेंज ऐसा देखने में आ रहा है कि औषध सेवन काल रुग्णों को बताने का फायदा होता नहीं है कुछ, क्योंकि दोनों भी क्या है कि नौकरी में जाते हैं, काम में जाते हैं, तो काल का बताने से फायदा होता नहीं है, और क्या है कि और टाइम मिसिंग हो जाता है, इसलिए औषध काल जो है मैं बताता नहीं हूँ। लेकिन कैसा है, रसायन जो है एम्प्टी स्टमक जो दवा देते हैं उठने के बाद या शाम में खाली पेट, जो बदले ग्रहण देने की दवा जो है ना, वो रसायन काल में देनी चाहिए। पक्वाशय या गृहिणी को बल देने की जो दवाएं हैं वो मध्य काल में देनी चाहिए, और पाचन करने की दवा भोजनांतर देनी चाहिए, और भोजन के पहले जो दवा देनी चाहिए वो भूख लगने के लिए या आमाशय समतत्व व्याधि में भोजन के पहले देनी चाहिए। जैसे अगर व्याधि का बल ज्यादा है तो रसायन काल में भी पाचन दवा वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि मैं चित्रकृति या आंवले स्वरूप में जो भी देता हूँ वो रसायन काल में ही देता हूँ। पक्वाशय समतत्व के हिसाब से अलग कुछ ये नहीं, यही अन्न काल यूज कर सकते हैं। जी सर, मतलब पक्वाशय समुद्र में जैसे हम पेप्टिक अल्सर वगैरह देखते हैं या क्रॉनिक अल्सर्स देखते हैं, इंटेस्टिनल अल्सर्स वगैरह, तो उसके अंदर पर्टिकुलर कुछ काल का महत्व है क्या? क्योंकि पेशेंट जैसे क्रॉनिक कंडीशन में आते हैं तो उन्हें रोपण करना बहुत जरूरी होता है, तो आई थिंक उसमें काल का ज्यादा महत्व रहता है। और अनुपान का भी पक्वाशय समुद्र में भी क्या है कि वहां पे अल्सर है तो मांसदत हो गया, दोष मौजूद हो गए, तो स्थान होगा पक्वाशय, लेकिन पक्वाशय समुत्थत्व क्या है कि उसका वेग धारण हेतु होना चाहिए। पक्वाशय में उत्पत्ति है या ना, पक्वाशय समुत्थत्व नहीं है, जो सामता है आमाशय समुत्थत्व में भी पक्वाशय गत हो सकते हैं। हाँ, वो तो रिलेटेड ही होता है। ये आपने बिल्कुल सही बताया सर, जैसे नौकरी वाले रहते हैं तो उनको काल बताने का कोई मतलब नहीं है। मैंने भी प्रयास किया था कि काफी काल का वगैरह देने का, लेकिन क्या होता है देने के बाद पेशेंट उसके हिसाब से ही लेता है कोई भी दवा। जी सर, ये दिक्कत है, क्योंकि अगर रसायन काल में या औषध भोजन के पहले देने की जो मेडिसिन है, भोजन के साथ लेने वाली जो मेडिसिन है, उनका अगर योग्य तरीके से उपयोग किया जाए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। हाँ मिलता है, लेकिन आजकल क्या पेशेंट ये यूज नहीं कर रहे वैसे, जैसे बोला है कि रसायन काल में खाली पेट ही लेना है या खाने के पहले लेना है, तो क्या जो हो जाता है कि वो बोलते हैं कि मैं कहाँ नौकरी को लेके जाऊँ उस वक्त, ठीक है वो लेने में ज्यादा अच्छा है वो वक्त है। लेकिन जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल डॉक्टर भारती जी, माधवी जी, और कोई सवाल हो तो प्लीज। मैम नमस्ते। रेखा जी बोलिए बोलिए। मैम सिस्टर को ले रखा है जूम पे, रश्मि करके, तो अगर उसका आप लोग सब केस लेना चाहते हैं। हाँ तो... यस, अभी सर भी हमारे साथ है, सर एक केस है, लाइव केस है, तो आप अपना मार्गदर्शन भी कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रश्मि, हाँ रश्मि, आप वीडियो भी अपनी ऑन कर लो,
भारती मैम, आशा जी, माधुरी जी सब मिलकर आप किस्ती भी लीजिएगा और सर भी साथ में हैं। हाँ सर, पहले हम पेशेंट के मुंह से सुन लेते हैं उसको जो जो प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं उनसे। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। हाँ जी सर, मेरे को ना 2020 में कोविड हुआ था, फर्स्ट वेव में 8 नवंबर के करीब मेरा डायग्नोज हुआ था, मतलब 8 नवंबर को मेरे को फीवर शुरू हुआ था। तो और उससे पहले मेरे को 16 सालों से अर्थराइटिस है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस। उसके लिए मैंने स्टेरॉइड काफी लंबे समय तक लिए, उस समय में मेरे स्टेरॉइड बंद चल रहे थे जब मैं बीमार हुई थी, मतलब हो गए थे कई साल बंद हुए, बस ऑन एंड ऑफ कभी लेने पड़ते थे या इंजेक्शंस लेने पड़ते थे क्योंकि कई बार पेन अनबियरेबल हो जाती थी। 2020 में जब मेरे को 8 नवंबर को कोविड हुआ था, तो वो धीरे धीरे, पहले तो डायग्नोज नहीं हुआ, पहले तो नॉर्मल सा फीवर हुआ क्योंकि अर्थराइटिस था, तो मुझे लो ग्रेड फीवर अर्थराइटिस में भी रहता ही था, तो मुझे ये था अर्थराइटिस के ही सिम्टम्स है, मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे कोविड हो चुका है। तो जैसे 10 तारीख के करीब लगा सबको कि एक बार टेस्ट ऑन अ प्रिकॉशनरी बेसिस पे करवा लिया जाए, मेरी रिपोर्ट जैसे 11 को आई थी तो मेरे को उसी दिन एडमिट करवा दिया था, यही सोच के कि जैसे मम्मा, मतलब मैं जल्दी बीमार हो जाती हूँ, तो सबको यही लगा, बच्चों को, हस्बैंड को, कि एडमिट करवाने में ही समझदारी है ताकि कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो उसी वक्त मतलब पकड़ में आ जाए। और मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर ही मेरा वहां पे ऑक्सीजन 70 के नीचे ड्रॉप होना शुरू हो गया था और मैं अनकॉन्शियस सी होनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे आईसीयू में शिफ्ट करा दिया था सबने। अच्छा। मुझे जब आईसीयू में रखा था, धीरे धीरे मेरा ऑक्सीजन 40-50, मैं जैसे ही खड़ी होती थी ऑक्सीजन लगे लगे में, अगर मुझे वॉशरूम भी जाना होता था तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, वो पहले शिफ्ट करते थे सिलेंडर क्योंकि ऐसे नहीं जा पाती थी, मेरा ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता था। फिर धीरे धीरे ये था, मतलब 2-3 दिन के अंदर ही ये हाल हो गया था कि मेरे को सिलेंडर के साथ भी मूवमेंट मुश्किल हो गई थी, मैं जैसे ही बेड से खड़ी होती थी ऑक्सीजन लगे लगे में मेरा ड्रॉप होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल बेड पे आ गई थी। तो मेरे को 48 डेज लगे थे मुझे हॉस्पिटल से बाहर आने में। मैं काफी टाइम तक NIV पे भी रही थी, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर पे, और काफी सारे पैरामीटर्स और भी मेरे हॉस्पिटल में काफी अप डाउन होते, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने भी एक टाइम ऐसा आ गया था जो आप दे दिया था कि मुश्किल है बचना। उस टाइम में मेरा सिटी स्कोर जो है, मेरे 96% लंग्स डैमेज हो चुके थे। हाँ जी। तो जब मैं घर आई थी 31 दिसंबर को, तो भी मैं ऑक्सीजन लगे लगे में आई थी। अच्छा। और घर आकर भी मेरे को 2-2.5 महीने तक ऑक्सीजन लगी रही थी। अच्छा। और इतने टाइम तक बेड पे रहने की वजह से मेरी टांगों से भी स्ट्रेंथ चली गई थी। अच्छा। तो वो प्रॉपर फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह आके मतलब अपने आप टांगों को पकड़ के हिलाते थे क्योंकि मेरे से अपने आप नहीं होती थी मूवमेंट। तो वो सब तो जैसे एक बच्चे को चलना सिखाते हैं, सारा वहीं से जर्नी शुरू हुई दोबारा, क्योंकि वो स्ट्रेंथ टांगों से चली गई थी। फंगल इन्फेक्शन वगैरह वो सब तो हॉस्पिटल का पार्ट है, वो सब भी हुआ था, बट वो सब ग्रेजुअली सब ठीक हो गया मेडिसिन वगैरह के साथ। बाद में मतलब 5 महीने बाद मेरी तबीयत दोबारा, मतलब मेरे को सांस चढ़ने लग गया था दोबारा। मैं जैसे ही हल्का सा चलती थी मेरे को थकावट सी होने लगी थी, ज्यादा तो मैं तब भी नहीं चल पाती थी, जो मेरी नॉर्मल स्पीड थी वो मेरी आज तक नहीं आ पाई है। तो जैसे ही मैं हल्का सा चलती थी, मैंने अपने डॉक्टर को बताया था कि मैं थकने लग गई हूँ, मुझे लगता है मैं थक, तो उन्होंने जब टेस्ट वगैरह करवाए थे तो उसमें पता लगा था कि मेरे लंग्स दोबारा से खराब होने शुरू हो गए। जितने रिकवर हुए थे, मतलब 50% रिकवर हुए थे मेरे उस टाइम में, तो डॉक्टर्स ने जब डायग्नोज किया तो वो मेरा दोबारा से रिवर्स जाने शुरू हो गए थे, खराब होने शुरू हो गए थे। तो फिर डॉक्टर्स ने मतलब 2-3 दिन रख के टेस्ट वगैरह सारे करे थे, उसके बाद उन्होंने इम्यूनो सप्रेसेंट शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा था क्योंकि मुझे अर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है अर्थराइटिस, बहुत रेयर केसेस में होता है लेकिन बहुत से केसेस होते हैं जिसमें, मतलब जैसे अर्थराइटिस जैसा डिजीज है वो आपके ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट डाल, तो मेरे केस में मेरे ऑर्गन पे भी इफेक्ट डाल दिया। और जब मैं हॉस्पिटल में भी एडमिट थी तो डॉक्टर ने मेरे को स्पेशली कोई इम्यूनिटी के लिए ही कोई इंजेक्शंस लगाए थे, उसके बाद मेरी रिकवरी शुरू हुई थी। वो यही कहते हैं कि मेरा कोविड भी इसी वजह से बिगड़ा था क्योंकि मुझे अर्थराइटिस था,
और अर्थराइटिस मेरा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे कोविड हुआ, तो ये वाइस वर्सा सबने अटैक किया। अब उसकी वजह से मेरे लंग्स और ज्यादा खराब हो गए, मेरे को लंग्स में फाइब्रोसिस हो चुके हैं। मैं 1.5 साल से इम्यूनोसप्रेसेंट ले रही हूँ, प्लस अपनी अर्थराइटिस की मेडिसिन तो जो ले रही हूँ सो ले रही हूँ। फाइब्रोसिस कितना है ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा आपने स्पायरोमेट्री क्यों होगी? हाँ जी किया आपने, इन्वेस्टिगेशंस बताइए ना। हाँ जी क्या बताऊं, इन्वेस्टिगेशंस और स्पायरोमेट्री वगैरह जो लंग्स कैपेसिटी के लिए किए जाते हैं ना, वो कुछ किया? हाँ, वो स्पायरोमेट्री एक टेस्ट करके उन्होंने किया था, मतलब था एक टेस्ट पीवीसी पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल गई उसका। उस पे स्पायरोमेट्री कितना ही वो बार बार हव फूक भरनी होती है फिर वो छोड़नी होती है। मेरे जब वो कर रहे थे पता नहीं 80 से ऊपर होना चाहिए तो ठीक होता है, पता नहीं 85 से ऊपर, मेरा वो 65 तक जाके रुक जाता था हवा छोड़ने पे। जैसे ही मैं हवा लेती थी पता नहीं वो एक मेरे पास उसका टेस्ट प्रॉपर नहीं है क्योंकि वो मशीन खराब हो गई थी तो वो प्रिंट आउट नहीं निकल पाया था। तो अभी रिसेंटली डॉक्टर ने कहा था कि अब जब नेक्स्ट विजिट में जाना तो वो एक बार टेस्ट दोबारा करेंगे। आपको कुछ एक्सरसाइज बताई है उन्होंने? नहीं उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि आपका वेट कम होना चाहिए, इन्फेक्शन से बचकर रहना है, और अगर हो गया इन्फेक्शन कोई तो मेरे को ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, बस इतना ही कहा है उन्होंने। एक्सरसाइज तो वो कहते ही है कि आपको रेगुलर पार्ट रखना ही है इसको अपनी हेल्थ का, क्योंकि बॉडी तो इंटरनली वीक हो चुकी है। ना ना वैसा नहीं है कि आप अगर आपका डेली रूटीन बता सके। हाँ जी डेली डेली रूटीन, मैं डेली दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, हफ्ते में मतलब 5 डेज तो मेरा रहता ही एक्सरसाइज का। उठते कितने बजे है? कुछ भी ऐसा फिक्स टाइमिंग्स नहीं है, वैसे मेरी 6:30-7 बजे तक नींद खुल जाती है। अच्छा उठने के बाद पहला खाना कितने बजे होता है? आई थिंक 10 बजे, 10:30, कई बार 11:30-11। भूख खुल के लगती है? बहुत ज्यादा। अच्छा क्या क्या खाते हैं उसमें? सब कुछ। फिर भी कुछ ज्यादा लाइक ना आपका पैटर्न क्या होता है खाने का, दाल रोटी चावल ऐसे कुछ बताइए। ज्यादा बीच में ऐसा था कि मेरे को वेट कम करना था तो मेरे को ये था, मैं ज्यादा चिल्लास पे आ गई थी, सूजी का चिल्ला हो गया या फिर ये प्याज की रोटी हो गई, मतलब परांठी की तरह बना के रोटी बना ली लेकिन नीचे उतार के मैं घी लगाती थी। मुझे खाने में नहीं आती ऐसे रोटी ना, मतलब जब तक मैं घी अच्छे से ना लगाऊं मुझे लगता है मैं नहीं खा पाऊंगी ऐसे रूखी सी रोटी, तो है मेरे साथ प्रॉब्लम। चटपटी हूँ मैं तो मेरे को खाना पसंद है चटपटा। अच्छा फास्टिंग कर सकती है? बहुत मुश्किल से पर कर लूंगी अगर 1 दिन करनी है। अच्छा ओके। नहीं अगर आप कहोगे कि करना बेटर रहेगा तो फिर पक्का ट्राई करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को भी अभी 2.5-3 महीने से स्टेरॉइड भी चले थे मेरे को, क्योंकि ना बीच में खांसी रुकी नहीं रही थी पहले, मेरे को ये ऑन एंड ऑफ ये पैटर्न चलता है मेरा, ये 2 सालों के अंदर ये बार बार हुआ है कि मेरे को खांसी एकदम से बहुत ज्यादा छिड़ जाती है और फिर वो रुकती नहीं है। बहुत बार तो मैंने इसलिए बाहर जाना ही अवॉइड कर दिया था क्योंकि लोग मुझे देख के घबरा जाते थे। अब सब कुछ भी नहीं है, अब कोरोना वरोना, लेकिन आज की डेट में भी लोग मुझे देख के घबरा जाते हैं कि शायद इसको कोविड है तो मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया था कहीं पे भी जाना आना। बट अभी मेरे को बेटर है क्योंकि मेरे को बीच में स्टेरॉइड शुरू हुए थे, मेरे को फीवर हो गया था, उतर नहीं रहा था, तब डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट करे थे तो सारे टेस्ट मतलब डॉक्टर्स कह रहे थे ठीक आ रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। बट फिर उस उन्होंने स्टेरॉइड शुरू करे थे तब मेरा ये खांसी भी और फीवर भी उतरना शुरू हुआ था, तो अभी सब नॉर्मल है। विटामिंस वगैरह चेक किए थे पूरे? हाँ जी वो सब नॉर्मल आए थे। अच्छा 10 बजे के बाद खाना खाने के बाद फिर से कब खाना होता है? मेरा ऐसे कुछ भी फिक्स पैटर्न नहीं है, मतलब जब भूख लग जाती है तो खा लेती हूँ, पर हाँ मुझे भूख ज्यादा लगती है अभी। मेरा मतलब इस 1.5-2 साल में ये फर्क तो आया है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं 2 मील लूं दिन में, 3 मील की जगह 2 मील हूँ, लेकिन फिर वो 3रे मील में कुछ ना कुछ मंचिंग हो जाती है। बहुत बार आदत डालती हूँ कि जूसेस या फ्रूट्स पे आ जाऊं, लेकिन थोड़ी 2-4 दिन में होते नहीं है, उसके बाद वापस कुछ ना कुछ मंचिंग पे आ जाती हूँ। अच्छा
क्या करते हैं? हाँ जी, दिन भर में क्या रूटीन क्या रहता है आपका? कुछ भी ऐसा खास नहीं, बस एक ही घंटा एक्सरसाइज है जो है मेरा प्रोडक्टिव, उसके अलावा ऐसा कुछ खास नहीं। अच्छा, आप होममेकर? आप होममेकर है? हाउसवाइफ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और मैम मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताइए थोड़ा, मेंसेस कैसे है? मेरा यूट्रस ऑलरेडी रिमूव हो चुका है 6 इयर्स बैक। अच्छा, मेरे को तब पीरियड्स काफी ज्यादा होते थे, तो मतलब मेरे को उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी थी 6-8 महीने, पर नहीं आराम आ रहा था, फिर बीच में चक्कर से आने लगे थे बहुत ज्यादा, तो डॉक्टर्स ने कहा था कि ऐसे तो तुम एनीमिक हो जाओगी, और मतलब जिस तरीके से ये रुक नहीं रहे पीरियड्स, तो उन्होंने रिमूव किया था। उन्होंने कहा क्योंकि आपकी फैमिली हिस्ट्री भी है तो बेटर है कि ये रिमूव ही होना चाहिए, क्योंकि दीदी को पहले कैंसर था, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार फैमिली हिस्ट्री होने के बाद हम चांस नहीं लेंगे। पेट साफ होता है? पेट साफ होता है, रोज होता है। बट मैंने बीच में ना नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट शुरू किया था। नेचुरोपैथी में वो एनीमा देते थे, मुझे पहले बिल्कुल कभी प्रॉब्लम नहीं आई। वो एनीमा वहां पे सिर्फ 3 दिन लगातार लिया, उसके बाद मैं फिर हफ्ते बाद दोबारा गई, फिर 3 दिन लगातार लिया, और फिर 2-4 दिन बाद दोबारा गई थी, फिर 3 दिन बाद लिया, 3 बार लिया, और उसकी वजह से मेरे को अब कॉन्स्टिपेशन थोड़ी, मतलब जैसे मेरा पहले बहुत खुलकर पेट साफ होता था, पहले ये हाल था कि अगर मैं कुछ भी खाऊंगी उसके बाद मैं वॉशरूम जाऊंगी, मेरे को एक बार क्लियर करना पड़ता था, मेरे को जरूर स्टूल पास होता था, लेकिन अभी इतने अच्छे से क्लियर नहीं होता है। अच्छा, मैम वेट कितना है मैम आपका वजन? 85। और हाइट कितनी है? 5'2" से थोड़ी सी ज्यादा होगी। ओके, और आप जब सुबह उठती हैं तो बॉडी में स्टिफनेस जैसा लगता है क्या? नहीं, जब पेन होती है तो इतनी ज्यादा होती है कि स्टिफनेस भी होती है, बट वो रेगुलर नहीं होती है, और जब कई बार होती है तो ऐसे हो जाता है वो कभी भी पता नहीं पेन आ जाती है, उस टाइम में तो ये हो जाएगा कि जिस एरिया में आएगी स्टिफनेस उस एरिया की मूवमेंट ही बंद हो जाएगी, इतनी सिवियर पेन आ जाएगी वहां पे, स्टिफनेस पेन सब। जॉइंट्स पे कभी इन्फ्लेमेशन वगैरह हुआ क्या? होती है बहुत बार होती है, लेकिन जैसे मेरे को अर्थराइटिस जैसे पहले था ना वैसे नहीं है, पहले तो मेरे को डेली ये था कि मैं सुबह उठती थी मेरी बॉडी स्टिफ रहती थी, पेन होती थी, अभी मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मेरे को डेली ऐसे है। okay. पर जिस दिन है, और कई बार तो ऐसा होता है जैसे मैं ये हाथ है ना, हाथ की ऐसे मूवमेंट भी नहीं हो रही होती, कई बार ऐसा होता है ये पूरे एरियाज मेरे हाथ के बुरी तरीके से स्वेल हो रखे होते हैं, अभी भी स्वेलिंग लग रही होगी हाथ में, पर अभी ये स्वेलिंग इतनी नहीं है, मेरा मोटापा है। जी जी, नहीं नहीं, यू आर वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, ठीक है, सही है। नींद ठीक से आती है आपको? आपकी नींद? नींद अभी तो आ रही है, जब मैं मेडिटेशन शुरू कर देती हूँ ना तो मेरे को आनी शुरू हो जाती है, अदरवाइज मेरे को जैसे पहले बहुत टाइम तक ये दिक्कत रही थी कि मुझे नींद नहीं आई थी, बट अभी मैं मेडिटेशन जब योगा करती हूँ तो मेरी प्रेफरेंस रहती है कि लास्ट के 15 मिनट्स मेरी मेडिटेशन में ही जाएं, क्योंकि मेरे को एंजाइटी भी बहुत ज्यादा होने लग गई थी उस टाइम में, मतलब, और इनफैक्ट अभी भी मेरे घर के लोग तो कहते हैं, बच्चे और हस्बैंड तो बोलते हैं मम्मा आपको अभी भी होती है एंजाइटी। बिटिया मेरी 23 इयर्स की है और बेटा 18 इयर्स का है। ओके, और रश्मि जो तुम अभी बताए थे, अभी आप वहाँ गए थे पंचकर्म सेंटर के लिए ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्होंने क्या मतलब क्या हुआ था वहाँ पे? कौन सा दीदी, नेचुरोपैथी या पंचकर्म वाले? नहीं, अभी पंचकर्मा के लिए आप गए थे ना? हाँ, मैं यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पंचकर्मा वगैरह जहाँ होता है, तो वहां पे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने वो नर्व्स देख के बताया था कि आपके जो इफेक्ट आ चुका है अभी, ये सिर्फ आपके लंग्स तक नहीं है, आपके थायराइड में, आपके लिवर में, आपके पता नहीं बहुत सारी चीजें बोल दी थी उन्होंने, कम से कम कहते मैं अगर उंगली पे गिराऊंगा तो 10 आपके बॉडी के ऐसी चीजों पे इफेक्ट आ चुका है जो मेजर है। तो मैंने कहा था कि मैं तो वहां पे इस पर्सपेक्टिव से गई थी कि मेरे को वेट कम करवाना है, भाई मेरे को डॉक्टर्स डालते हैं आपके वेट से और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो मेरे को ये था कि मैं वहाँ पे पंचकर्मा ट्रीटमेंट वगैरह लेकर वेट के लिए शायद इफेक्टिव रहेगा, तो उन्होंने कहा था अभी आप ये सब चीजों में पंगा भी नहीं ले सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन की भी दिक्कत है, ऐसे ना हो कि कल को आप मतलब बहुत सारी ऐसे सारी चीजों के लिए उन्होंने बोला कि कहीं कल को कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके। तो
सर आप बताइए, डॉक्टर आनंद आप बताइए थोड़ा प्लान, ट्रीटमेंट का प्लान कैसे कर सकते हैं। अभी जो इनका देखा है मैंने, ये जो पूरा है ना माउस अस्थिगत दृश्य दिख रहे हैं। शुरुआत इसकी जो हुई है, जो फुफ्फुस जो बताया आपने, ये जो आयुर्वेद के हिसाब से बनते हैं रक्त के फेन भाग से बनते हैं फुफ्फुस, शोणित फेन प्रभावः फुफ्फुसः। तो भाषण का ये जो बताया था उसका भी जो ये है, तो वहां पे भी विदग्धता दृष्टि थी। ये स्त्राव ज्यादा हो रहा था ना, उसके लिए ये किया था ना, रिमूव किया था ना। हाँ जी हाँ जी, हिस्टेरेक्टमी सर उसी के लिए किया था कि स्त्राव ज्यादा हो रहा था इसलिए हिस्टेरेक्टमी हुआ था। ये जो है ना रक्त दृष्टि और मौसगत है, इसकी वजह से है। और अस्थि की जो दृष्टि है, रूमेटॉइड जो बोल रहे हैं, वो अस्थि से ज्यादा कंडरा की ज्यादा लग रही है मुझे देखने के बाद। अच्छा, मुझे यहाँ पे भी एक मिनट, सॉरी सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ, मेरे को ना यहाँ बैक में भी एक हम्प सा है, पता नहीं आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं। दिखा लंप, दिखा देखता मैं आपको, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हम्प है, मुझे लोग भी अब फिर से मैम थोड़ा सा। हाँ जी हाँ, दिखा मैम, दिखा लंप, दिखा कैसा है मैम उसका, ये कैसा है मतलब स्पर्श कैसा है उसका, हाउ फीलिंग कैसी है? पता नहीं, पर मेरे को कई बार इस पूरे एरिया में पेन होता है बहुत ज्यादा, मतलब सिर में भी ऐसे भी। अब पता नहीं इसकी वजह से होता है या नॉर्मल कभी थक जाती हूँ तो उसलिए होता है, पर मेरे को ऐसा डाउट होता है कि मेरे को इसी की वजह से होता है। मैम स्पर्श में सॉफ्ट है, मैं क्योंकि मैंने टच करके देखा है तो सॉफ्ट है स्पर्श में। नहीं अभी इतना सॉफ्ट भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है। आपको अगर हार्ड है तो हार्ड भी नहीं है, पर एक होता कि बिल्कुल प्लम्पी ऐसा हो, नहीं वैसा भी नहीं है। मतलब अगर मैं कहूंगी ऊपर की, अगर जैसे इतना बड़ा लंप है, इतना पोर्शन सॉफ्ट आता है, बाकी लगता है हार्ड है। मतलब मुझे जो लग रहा है, बाकी मुझे इतना अच्छे से नहीं समझ आएगा। कितने टाइम से है मैम आपको ये लंप? तो नहीं बहुत ही टाइम से है, मतलब धीरे धीरे बहुत बढ़ गया है। अब सब लोग बहुत टोकने लग गए हैं, सब कह देते हैं कि मतलब एम्बैरेसिंग से होता है, डॉक्टर ने मना किया कि इसको रिमूव नहीं करवाना। बचपन से है या जन्म था वही? नहीं नहीं नहीं, नहीं बचपन से नहीं है ये, आई गेस अराउंड 8-9 years से। ओके, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये आपको स्टेरॉइड की वजह से बफेलो हम्प हो गया है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये लाइपोमा है, और जो मेरे पल्मोनोलॉजिस्ट है लंग्स वाले डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये तुम्हारे वेट की वजह से वहां पे फैट की गांठ आ गई है, तुम वेट कम करोगे तुम्हारा अपने आप ये चला जाएगा। स्कैन वगैरह कराया कभी मैम आपने इसका? नहीं, मैंने बहुत साल पहले इसकी बायोप्सी करवाई थी। बायोप्सी? हाँ बहुत साल पहले, तब जब शुरू शुरू में मैंने नोटिस किया था थोड़ा सा, तो उसमें लाइपोमा आया था। लाइपोमा के जैसे ही दिखता है। मैम आपको थायराइड भी है अभी? नहीं, मैंने टेस्ट नहीं करवाया अभी, पर मैंने जितनी बार टेस्ट करवाया है वो थायराइड नहीं आता मुझे। पर अभी मेरे को, मेरे ख्याल 1 month back जब मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने कहा था कि आपका थायराइड भी हिला हुआ है, उसके बाद मैंने टेस्ट नहीं करवाया। एक्चुअली मैंने अपने दोनों डॉक्टर चेंज कर लिए थे, आर्थराइटिस के भी और इसके भी, लंग्स के भी, और मैंने ये आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी दिखाया था, तो पता नहीं किसकी मेडिसिन से क्या इफेक्ट आया, मेरे को सर घूमने लग गया था, मेरे को स्लीपी स्लीपी रहने लग गया था, और मतलब हर वक्त ऐसे होता था कि मेरा सर ऐसे घूम ही जा रहा है। मेरा बीपी लोअर साइड का हाई रहने लग गया था, मुझे ऐसा महसूस हुआ था। तो जब मैंने डॉक्टर से चेक करवाया था तो वहां पे मेरा 105 आया था नीचे का, तो पता नहीं डॉक्टर ने तो कहा था कोई ऐसे घबराने की बात नहीं, पर मुझे लगा नहीं मेरा हाई है, मैं मतलब नीचे का इतना हमारे को यही समझ आता है कि शायद हाई है, तो मेरे को लगा नहीं, मैं सारी मेडिसिन बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे बैठे बैठे, हाँ एक मेरे हाथ पैर बहुत कांपने लग गए थे, लिटरली ऐसे शिवर करते थे, तो मुझे अंदर से घबराहट होती थी जब वो मेडिसिन खाती थी। मैंने सारी मेडिसिन रोक दी थी, मैं पुराने वाले डॉक्टर्स को ही दिखाने गई थी, मुझे लगा पता नहीं कौन सी मेडिसिन से मुझे क्या इफेक्ट आया है, मुझे नहीं पता आयुर्वेदिक से आया था, मुझे नहीं पता मैंने अर्थराइटिस के डॉक्टर चेंज किए थे या लंग्स के चेंज किए थे, किसकी मेडिसिन से क्या इफेक्ट आया था,
मुझे नहीं पता, पर मैंने सारी बंद कर दी थी और अपने पुराने डॉक्टर के शुरू आपका मुझे लग रहा है ना, सब आपने बहुत जगह दिखाया सभी का। नहीं नहीं नहीं, मेरा ट्रीटमेंट ना बहुत टाइम तक अपना जहां से मेरे को कोविड ठीक हुआ था वहीं चलता रहा मेरा ट्रीटमेंट। बट मेरे को अभी क्या हो गया था, मेरे को ये मई में मेरे को फीवर हुआ था और खांसी हुई थी शुरू। तो मेरे को जैसे 10-12 दिन हो गए, डॉक्टर को मैं 3 बार दिखा कर आई, मेरे को बुखार नहीं उतर रहा था और खांसी रुक नहीं रही थी। तो उन्होंने जैसे मेडिसिन दी, रुक गई 10 दिन, उसके बाद मुझे दोबारा फीवर आ गया, फिर मैं परेशान हुई बहुत ज्यादा, फिर मेरा उतर नहीं रहा था, फिर उन्होंने दोबारा मेडिसिन वगैरह जब दोबारा दी फिर मेरा उतरा, फिर दोबारा मेरे को खांसी और बुखार हो गया, खांसी तो मेरी बिल्कुल रुकी नहीं बीच में। तो वो मैं इतनी इरिटेट हो गई थी, जैसे मैं बार बार दिखा के, तीसरी बार जब मुझे फीवर रुक के हटा ना, मेरी खांसी तब भी नहीं गई, खांसी मेरे को बहुत ज्यादा थी। तो फिर उसके बाद मुझे लगा शायद इन डॉक्टर्स को मेरा समझ नहीं आ रहा, तो मैं डॉक्टर चेंज करके देखती हूँ, मे बी वहां से मुझे आराम आए। तो मैंने जोन से डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेरे को स्टीरॉयड की काफी हैवी डोजेस दे दी मेरी, मतलब 10 दिनों बाद मेरी खांसी तो बिल्कुल रुक गई, जो मेरी खांसी से मैं बड़ी परेशान हो गई थी। लिटरली ये हाल था कि मैं लेटती थी और मैं लेट नहीं पाती थी, मैं सोना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि जैसे ही मैं लेटने लगती थी मैं खांसी इतनी करती थी, पर्टिकुलर कोई एक एंगल पे जाके मुझे नींद आती थी, वो मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं कई बार लेटे लेटे से उल्टी सीधी हो जाती थी ना, मैं परेशान हो के बार बार उठी रहती थी, उसकी वजह से मेरे सर में दर्द रहता था बहुत, मतलब मैं परेशान होने लग गई थी, रोती रहती थी कि मैं क्या करूं, मैं सोने के लिए तरस गई हूँ, मेरी आंखें थक गई हैं, मैं थक गई हूँ, पर मेरे को डर लगता था लेटते ही मेरे को खांसी हो जाएगी, और वैसे भी खांसी होती रहती थी। तो मैं बात ऐसे बैठे बैठे किसी पर्टिकुलर एक एंगल में मैं लेट जाती थी, तो उस वक्त जाके मुझे नींद आती थी, वो मुझे नहीं समझ आता था कौन से एंगल पे लेटी हूँ। पर जब मैंने दूसरे डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने जब स्टेरॉयड शुरू करे, तो 10 दिन बाद मेरी खांसी तो बिल्कुल रुक गई, पर वो जो साइड इफेक्ट्स आपको मैं बता रही हूँ, मुझे वो से फील होने लग गए। मुझे नहीं पता कि वो अर्थराइटिस की या लंग्स की, क्योंकि मैं दोनों डॉक्टर को एक साथ दिखाती थी। तो जब मैंने दोनों डॉक्टर्स चेंज करे, और उसी टाइम में मुझे किसी ने कहा कि तुम आयुर्वेदा में क्यों दिखाते हो एक बार, मैं वहां पे भी चली गई, ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज मेरे सेम डॉक्टर चलते हैं। ओके मैम, ओके डॉक्टर आनंद बताइए प्लीज प्लान। इनको क्या है कि मेरे को बलगम अभी भी बहुत आता है, मतलब वो पता नहीं क्यों आता है, पर बहुत ज्यादा बलगम आता है। नॉर्मल ऐसे बैठी होंगी, बताया नहीं कि आपको। हाँ जी, पल्मोनोलॉजी जो लंग्स का जो डॉक्टर है, हाँ जी, उन्होंने इसके बारे में आपको बताया नहीं शायद। उन्होंने कहा फाइब्रोसिस है ना, तो शायद ये आएगा ही। हाँ, एक काउंसलिंग की है क्या आपकी? नहीं, ऐसे काउंसलिंग तो नहीं। किस तरीके से मतलब? हाँ, काउंसलिंग यानी डिसीज क्या है, इसकी प्रिकॉशन कैसे लेनी है, और इसके बारे में अवॉइड कैसे करना है, और क्या क्या कैसे एक्सरसाइज कैसे करनी है, इसके बारे में। नहीं, नहीं, इस बारे में नहीं बता मुझे। ओके ठीक है, अपने को क्या है कि इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, कि जैसे कुछ चीजें हैं कि कुछ चीजें ठीक हो सकती है और कुछ चीजें मैनेज करके ठीक करनी पड़ती है। तो ये जो आपका जो डिसीज है ना, वो मैनेज करके ठीक करना पड़ेगा। तो वो जरा सा ध्यान में रख के थोड़ा सा करना पड़ेगा अपने को। तो जैसे कि थोड़ा सा बलगम आ गया, तो आप जैसे इरिटेट होके क्यों हो गए इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे खांसी आई तो क्यों आई है इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, ऐसा। थोड़ा ज्यादा सोचती है ना मैम, थोड़ा कम सोचिएगा ऐसे तो, है ना। नहीं नहीं, आप समझे नहीं मेरा पॉइंट। अभी आप देख रहे हो ना, अभी मैं नॉर्मल हूँ, तो अभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही, पर जब मेरे को वो होती है तो लिटरली ऐसे होती है कि ना मैं सो पाती हूँ। मैं नेचुरोपैथी सेंटर बता रही हूँ, 3 बार गई हूँ, इसी रिगार्डिंग गई हूँ, जब मेरे को फीवर वगैरह उतरता चल रहा था, इस तब भी मैं इन्हीं से परेशान होकर गई थी कि मैं वहां ट्रीटमेंट कराती हूँ, मे बी मेरे को आराम आए। जब मैं 3rd टाइम गई थी तो मेरे को वहां पे भी यही हुआ था कि मैं खांसी की वजह से भाग कर आ गई थी, मैं ले ही नहीं पा रही थी ट्रीटमेंट दी, क्योंकि मेरे को इतनी कफिंग थी। और मेरे को जैसे कहीं पे भी मैं जाती हूँ, बहुत जगह पे लोग ही मुझे कहते हैं प्लीज आप बाहर चले जाओ, आप साइड होके बैठ जाओ,
आप ना सोचो तब भी आपको सोचने पे मजबूर हो जाओगे जब आपको लोग पिन पॉइंट करने लग जाएंगे बार बार। यस मैम, यस यस, सर की बात सुन लेते हैं पहले, सर की बात सुन लेते हैं। ये जो है ना कि ये जो डिसीज को फाइब्रोस के लिए मैनेज करना पड़ता है, ये जो खासी आप बता रहे हैं ना उसके लिए मैनेज करना पड़ेगा आपको खुद को। तो कैसे मैनेज करना है वो थोड़ा सा बात करके बता दूंगा मैं, कि जैसे कुछ चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी खांसी आ जाएगी, थोड़ा सा बलगम आ जाएगा, वो एक्सेप्ट करने के बाद उसकी इंटेंसिटी कम होते जाती है धीरे धीरे। अभी क्या है, आप ठीक होने के लिए जैसे जोर लगा के सोच रही है, तो जब तक पूरी ताकत नहीं बढ़ती है तब तक वो ठीक नहीं हो पाता है। दूसरा है कि आपके इसमें क्या है कि डाइट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो मैं बता दूंगा लगा तो डिस्कस कर लेंगे। ठीक, सांगू शिल्पा एक दो मिनट। हाँ सांगू। हमने क्या है क्या तो माजा है चलो सर। हाँ हाँ, सगळे ना कि आता शुद्ध खूप जास्ती होती है, शुद्ध ती सहन व्हायला पाहिजे। जर होत नसेल तर शांततेचं लक्षण आहे ते, विदग्ध असल्यामुळे ते क्षुत प्रवृत्ती सहन होत नाही। रितू तुम एक्सक्यूज मी सर, रितू तुम अभी लीव कर दो, मैं फिर तुम्हारे से कल डिस्कस करती हूं। हां ऐसे करेंगे, चलिए ठीक 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 है रितू। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। यस यस मैम, आप बहुत सुंदर है, आप अच्छा हो जाएगा सब कुछ। थैंक यू। यस यस, यू आर स्टिल लुकिंग वेरी नाइस एंड क्यूट। यस यस, थैंक यू। यस सॉरी डिस्टर्बेंस। आई थिंक डॉक्टर आनंद शायद सर लेफ्ट हो गए। यस, हम लोग मैम इसमें जैसे सर बता रहे थे ना वो तो सारा है ही इसमें ना, मांस रक्त कफ दृष्टि भी है, तो इसमें दीपन पाचन और आम का पाचन ही करना पड़ेगा सबसे शुरू में तो। और जैसे सर का भी यही प्लान था शायद कि लंघन, तो लंघन के साथ ही करना पड़ता है। और कुछ आपका प्लान है तो बताइए इसमें सभी लोगों का। हाँ जी मैम, जैसे ये क्लासिकल आमवाद का पेशेंट है, ठीक है। हाँ, और इसमें शुरू हुआ है उनको हिस्टेक्टोमी के बाद आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुए हैं। नहीं मैम, ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो इसको वो ये 16-17 साल से है, और तब भी हमने पहले भी इसकी कंडीशन देखी है, बहुत वर्स्ट कंडीशन में हो गई थी इसकी स्टिफनेस और सब कुछ पहले भी थी। अब ये कोविड के बाद से, हिस्टेक्टोमी के बाद से तो इतनी दिक्कत नहीं, बट कोविड के बाद से ये बहुत वर्स होती जा रही है। राइट हाँ, तो यही मेरा पॉइंट है मैम कि हिस्टेक्टोमी के बाद वात वृद्धि ज्यादा होती है ना बॉडी में, क्योंकि गर्भाशय निकाल देने के बाद वात की जो वृद्धि होती है उसकी वजह से इनके अंदर एंग्जाइटी है, या फिर जो आर्थराइटिस को लेके एंग्शियसनेस है, फिर उसमें से कोविड ने ज्यादा ऐड कर दिया कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स एंड ऑल। तो यहाँ पे ज्यादातर हमें ना दीपन पाचन लंघन तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा विरेचन भी करा देना चाहिए, और उनको नित्य विरेचन या फिर वातानुलोमन के लिए जैसे हम देते हैं त्रिकटू एरंड ऑयल और या फिर त्रिवृत्त। क्लासिकल विरेचन देंगे तो ठीक रहेगा क्या, क्योंकि त्रिफला घृत वगैरह का पान करा कर देते तो आई थिंक अच्छा रहेगा ना। हाँ मैम वही मैं बोल रही हूँ, दीपन पाचन के बाद हम क्लासिकल विरेचन ही कराएंगे, लेकिन इसमें त्रिकटू का रोल ज्यादा रहेगा, जैसे उनकी कफ प्रकृति है, वात कफज प्रकृति मुझे लग रही है, तो त्रिकटू के साथ उनका गृतपान कराइए, उस तरह से कराएंगे। और उसके बाद बस्ती का काफी रोल रहेगा इसमें, निरु बस्ती जैसे दशमूल है, वरुण है, शिग्रु है, और उसके अंदर थोड़ा सा सेंधवादी ऑयल, क्योंकि थोड़ा लेखन भी करना पड़ेगा। राइट, वैतरण बस्ती। हाँ वही बोल रही हूँ, निरु के बाद वैतरण बस्ती देंगे तो उनका कोष्ठ शुद्धि हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं देते हैं ना वैतरण इसके लिए। हाँ, निरु इसके के प्लान कर ही देते हैं वैतरण बस्ती, और बाद में सब मेडिसिन प्लान तो वही है, सिन्हा गुगलू है, वातारी है, आरोग्य वर्धिनी है। इसमें एक पद्मक काष्ठ का एक जरूर से योग डालिएगा, पद्मक काष्ठ चूर्ण शुंठी। आप इसे एक रिक्वेस्ट है, एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान बना करके मुझे देंगे ताकि मैं उसको फिर बोलूं कि इस तरह से शुरू करे कि क्या क्या देना है, कितने कितने दिन के लिए देना है।
जी जी मैम, अभी तो हम सिर्फ डिस्कस ही कर रहे हैं, इसमें सभी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट। थोड़ा सा मैम इसके रिपोर्ट्स वगैरह भी डाल दीजिएगा, हम लोग अभी जैसे मैम बता रही वैसे हम लोग अभी तो एक प्लान ही चौकआउट करेंगे कि इसको अच्छा प्लान क्या रहेगा, तो डिस्कस कर लेते हैं और प्लान फाइनल कर देते हैं, है ना। मैम इनका जो ओबेसिटी जो हुआ है ना, ये स्टेरॉइड इंड्यूस्ड हुआ है जो, राइट और जो बार बार ज्वर आ रहा है तो आम हुआ है, पर ज्वर का भी बोलते ना एक बार वो पुनरावर्त काढ़ा वगैरह से बीच में दे दे के थोड़ा ये देना चाहिए एक्चुअली ना, इसमें थोड़ा सा महासुदर्शन वगैरह के टाइप का भी कुछ। और जो फाइब्रोसिस है उसमें घृत पान ही बेस्ट रहता है, घृत से ही वो फाइब्रोसिस खुल जाएगा ऐसे। कांचनार सिद्ध घृत पान करा सके ना, मतलब जैसे आपको कांचनार मिलता है तो उससे घृत सिद्ध करके वो दीजिए, वो पर्टिकुलरली आमवात के अंदर भी काम करेगा और ये जो उनका लंप है ना उसके ऊपर भी काम करेगा। तो मैम कांचनार से एरंड का तेल कर ले हम लोग सिद्ध, क्योंकि एरंड तेल तो हमारे उसमें भी काम आ जाता है, दोनों में आमवात के लिए भी अच्छा है बहुत। मैम इसमें घृत में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उनके लंग्स में रिक्षता है, ठीक है जी। थोड़ा सा इंटरनल ब्रूहन भी चाहिए और स्नेहन भी चाहिए, इसलिए इसमें ग्रिप का ज्यादा रोल रहेगा अगर ऑयल है वो भी चलता है, कंठ है ना। मैं ये पूछूं कौन सा घृत इस्तेमाल करना है इसमें, काशनार तो डाल दूंगी तो घृत सिद्ध करने के लिए कौन सा लेना है? गोघृत ही लीजिए, सिंपल गोघृत। गोघृत ले, ठीक है जी। उसमें आप पुष्कर मूल भी ऐड कर सकती हैं, जैसे वो भी बल देता है लंग्स को और वो गर्भाशय में भी काम करता है, ठीक है। आप उसी में पद्मकाष्ठ भी डाल सकती हैं, पद्मकाष्ठ चूर्ण भी डाल सकती हैं। और किस, हाँ यस, और कुछ प्लान है किसी का इसमें? और कुछ किसी का ओपिनियन से देखना पड़ेगा उनको कैसे स्वेलिंग, अगर जॉइंट का बीच बीच में रुक्ष स्वेद ठीक लग रहा है तो वो कीजिए वालू का स्वेद, ये भी देखना पड़ेगा उनके ज्वाइंट। हाँ वो देखिए करके देगा माँ, कभी कभी दिल बस्ती उनको पेन है तो वहाँ विश्व गर्भ की भी तेल की बस्ती दे सकते हैं, मतलब ये सब सिम्टम देख के आमवाद बहुत ये हो जाता है, मतलब ना ऊपर नीचे सिम्टम बदलते रहते हैं उसके जो है। और इसमें सामता निरामता के लक्षण आप देखते रहिएगा, अगर आपको लगे कि मतलब सामता ज्यादा है तो घृतपान बंद करवा दीजिएगा, अदरवाइज वो आवरण युक्त रहेगा ना तो वो सामता बढ़ाएगा। ओके तो आपको ऐसा फिक्स प्लान नहीं है, ये हमने दिया तो करके उसको आंख मूंद के फॉलो नहीं करना है, आप देखिए कि अगर सामता ज्यादा हो रही है तो यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू हर प्रकृति एंड दोषावस्था, ठीक है ना। मैम एक बात मुझे ये बताइए कि सामता के क्या लक्षण रहेंगे और निरामता के सोदक के? ओके ओके आई कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि आपको हैवीनेस लग रही है बॉडी में, वो बोल रही है कि नहीं थोड़े दिन के बाद अगर उनको स्टिफनेस वगैरह ज्यादा लग रही है, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा लग रहा है, पेट भरा भरा सा लग रहा है, जीभ अगर आप देखेंगी ना तो उनकी जिह्वा भी कोटेड लगेगी, अग्नि मानदेह है हाँ भाई, है ना। तो ये सब सामता के लक्षण है। और स्टूल भी स्टिकी है, ऐसा का जो लक्षण रहते हैं वो सामता के। ओके ओके निरामता में बॉडी में एकदम हल्कापन रहेगा, हल्कापन रहेगा, भूख लगेगी अच्छे, मल का भी मोशंस भी अच्छे होंगे, चिकटपना नहीं होता है ना, चिड़चिड़ा फ्लश नहीं करना पड़ता बाहर ज्यादा। ओके मैम, सो आई होप कि मैम आशा मैम और माधुरी जी हम लोग इसको एक प्लान बनाकर उनको ना अलग ग्रुप पे भी डाल देते मैम, उनका थोड़ा सा ना और कुछ ज्यादा स्वभाव थोड़ा उनका पास खाली टाइम होता है इसलिए थोड़ा ज्यादा सोचती है। मैम सारा दिन लेटी रहती है, सारा दिन टीवी के सामने और कुछ भी नहीं है, बस यही रह गया। रेखा मैम करेक्ट एग्जैक्टली पुलत का यूज में त्रिकटू डाल के जो आशा मैम ने बोला ना कप का आवरण वो ठीक हो जाएगा। हाँ वो करा सकते हैं, उनका डाइट प्लान भी एक आप बना के दे दीजिए तो उसके हिसाब से वो सोच रही है कि मेरा डाइटिंग हो जाए, उनका बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहा है कि मैम शुरू से। हाँ जी मैम, शादी के बाद उसने कहीं बाहर काम नहीं किया, बस घर का ही है जो भी है सारा घर के ही काम। एजुकेशन क्या है उनका?
मैम उसने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया है। अच्छा, क्योंकि वो मतलब सुखासीन लाइफ तफज वैदी है ऐसा लग रहा है। मैम शुरू से ऐसा हुआ ना, जैसे मतलब इसकी शादी, मतलब मेरी तो 23 में मैरिज हुई थी लेकिन इसकी 19 की एज में शादी हो गई, ठीक है। और ये थोड़ी चंचल है शुरू से ही स्वभाव की बहुत ज्यादा, और मतलब घूमतो, और फैमिली ऐसी मिल गई जहाँ पे हस्बैंड फैमिली ने बोला कि कुछ काम नहीं करना है, आई एम अर्निंग गुड तो तुम घर देखो। तो शुरू में मैं बताती हूँ, शुरू में इसकी मदर इन लॉ वाज मतलब बहुत ही एक कहते हैं ना कि क्रूर मदर इन लॉ थी वो। तो मतलब इवन जैसे प्रेगनेंसी थी, अगर उसको कुछ खाना है तो वो मतलब हर चीज पे खाने भी नहीं देते थे। मतलब आपको खाना है आपको फ्रिज में रख, मतलब ऐसा बहुत ही, मतलब शी क्राइड फॉर ईटिंग मतलब शुरू शुरू में। और इतनी सुंदर मैम, इतनी ब्यूटीफुल, मतलब ये बहुत स्लिम और वैसी थी, मतलब ये अपने कॉलेज में मिस बनी थी। अभी भी उनकी स्किन कितनी अच्छी है। हाँ जी मैम, स्किन वाइज क्योंकि उसको मैं इसी से ही, अब आज की डेट में जब बोलो तो उसको इसी से ही प्यार है कि मैं सुंदर लगूं, मैं सुंदर दिखूं। और मतलब कहीं जाती है तो उसको ये लगता है कि मतलब चार लोग हमेशा उसकी प्रेज ही करें, ठीक है। अब चाहे मोटापा हो गया बट शी कैरीज, मतलब अपने आप को ऐसा कैरी करती है कि दूसरे लोग उसकी तारीफ करने से रुकते नहीं है, तो इतनी प्यारी वो है, ठीक है। बस वो परेशान अपनी बीमारी से, और अब और दूसरा वो इमोशनल बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे होता है ना कि अब मैं हूँ, जैसे मेरी नेचर है, मैं थोड़ा सा ना मतलब आई डोंट केयर, मतलब अगर कोई कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, मैं उसको लाइट ले लेती हूँ। बट ये अपने दिल से लगा लेती है बात को, मेरी केयर नहीं करते हैं। अच्छा, शुरू शुरू में हस्बैंड का भी स्ट्रेस था कि हस्बैंड थोड़ा सा मतलब जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बहुत देर तक प्ले कर रहे हैं और ये रात को 12-12 बजे तक फोन कर रही है, अब आए नहीं आए नहीं। तो मतलब ये सारी चीजें ना स्ट्रेस, और वो एक फैमिली में इनिशियली काफी मतलब फाइनेंशियली कभी कोई इश्यू नहीं हुआ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए रुकते हैं हम लोग सभी, अच्छा लगा। चलिए कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अभी हम लोग मिलने वाले हैं कल के सेशन में, लाइक विद कर्मा पेन मैनेजमेंट में। तो आप सभी के लिए ये कल का सेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिसमें हम लोग अग्निकर्म विद्याकर्म के बारे में, जो हमारे महाराष्ट्र के जो गोपते सर है उनके शिष्य के रूप में जो है उनका हमने रखा हुआ है कल के सत्र में, ठीक है। सपना जी, कुछ था आपका? हाँ मैम, ये पूछना था कि आपने यहाँ पे कुलत्थ यूज क्यों एडवाइस किया है। कुलत्थ ना वो वृक्ष कटु तीक्ष्ण उष्ण गुण के साथ किया है ना माधुरी, लाइक कफ और मेद का नाशन करने के लिए। हाँ यस मैम, आम का भी ये हो जाएगा, और उनका मेद का भी है ना, इसलिए वो भी किया, ये दोनों कार्य हो गए। ओके थैंक यू मैम। यस यस ओके, फिर कल मिलते हैं हम लोग 6 बजे। जी मैम, थैंक यू मैम। रेखा जी, हम भी मतलब अभी आपको थोड़ा प्लान समझ में आ गया है, इसमें हम लोग थोड़ा और प्लान बनाकर डाल देते हैं, ठीक है जी मैम। जी मैम, जैसे कितने दिन लंघन हमें रखना है, वो कितने दिन रखना है, दीपन में हमने क्या क्या है, मतलब आपसे ये है। हां यस यस, और मैं डॉक्टर आनंद से भी बात करती हूं एक बार। जी मैम, यस जी मैम, थैंक यू ऑल। ओके थैंक यू मैम।